आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम इतिहास PGT के सिलेबस पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था कि हम प्राचीन भारत के सिलेबस के बारे में आपसे बात किए थे और साथ में हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि वो कौन कौन से अध्याय हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्रमबद्धता के लिए हम छोटे छोटे राजवंशों की भी चर्चा किए और इसी के साथ हम बात भी किए थे आपसे कि जब भी होगा हम इनके सांस्कृतिक जीवन पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे, जिसके अंदर आप देखें चाहे वो इनका सामाजिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, कला हो, स्थापत्य हो और कला का उद्भव विकास विभिन्न प्रकार के संदर्भों में अगर देखा जाए तो स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर, इन पर सबसे ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया जाएगा। कारण है कि यहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनीतिक जीवन पर भी हम विशेष तौर पर बात करेंगे आपसे, लेकिन इसी क्रम में जो आज का वीडियो है वो मध्यकालीन जो पाठ्यक्रम है उस पर हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि मध्यकाल का जो सिलेबस है वो छोटा भी है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। हम विगत वर्षों के अगर बात करें तो भले से मध्यकाल का जो पोर्शन है या जो उसका भाग है उनमें प्रश्नों में कमी तो आई है, लेकिन हम यहाँ पर कम मेहनत करके और यहाँ के प्रश्नों को सही करके अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। तुर्क आक्रमण, तो पहले नंबर पर हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उद्भव और विकास। इस्लाम का उद्भव एवं विकास को हम बेहतर ढंग से देखेंगे और इसी संदर्भ में हम विभिन्न खलीफाओं की भी चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ, जिसमें हम विशेष तौर पर अरब आक्रमण और उसके बाद तुर्क आक्रमण पर चर्चा करेंगे। हालांकि अरब आक्रमण का जो विषय है वो हम एक बार प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही उस पर हम बात करेंगे, लेकिन तुर्क आक्रमण को हम विशेष तौर पर फोकस करेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत हम दो लोगों को पढ़ेंगे, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के बारे में। महमूद गजनबी हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप जानते हैं कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण और इसका प्रभाव और कितनी बार इन्होंने आक्रमण किया और उस समय वहाँ के कौन कौन से राजा थे और उसका परिणाम क्या निकला, उनके स्रोत क्या रहे, इनके राजदरबार में वो कौन कौन से प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना की, इन सारे पहलुओं पर आपसे बात की जाएगी। और इसी प्रकार हम मोहम्मद गोरी के बारे में भी देखेंगे, गोर राजवंश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और प्रारंभिक इतिहास पर जोर देते हुए हम भारत के विशेष संदर्भ में मोहम्मद गोरी की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे और ख़ास बात यह देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था और क्यों था, तो उन पहलुओं पर भी बात होगी। लेकिन ऐबक, हम ऐबक को विशेष संदर्भ में देखेंगे। कारण क्या है कि यहाँ से हमें गुलाम वंश की क्रमबद्धता की अस्पष्ट शुरुआत देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कारण है कि ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है, उन बिंदुओं पर भी आपसे बात होगी। आगे अगर देखें सल्तनत काल के अंतर्गत हम इल्तुतमिश पर बात करेंगे, इल्तुतमिश पर चर्चा होगी और यही नहीं हम देखेंगे कि इल्तुतमिश कैसे दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक के तौर पर उभर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे, हम उन सारे पहलुओं पर बात करेंगे। और यही नहीं, इनके समय में कैसे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, इनकी नीतियाँ क्या हैं, उन सारे पहलुओं पर बात होगी। फिर आगे देखेंगे इनके उत्तराधिकारियों में विशेष तौर पर रजिया सुल्तान पर चर्चा होगी। बीच में कई ऐसे छोटे छोटे शासक मिलेंगे जिनकी चर्चा हम करते हुए, अर्थात इतिहास में क्रमबद्धता को स्थापित करते हुए हम बलवन तक बात करेंगे और बलवन के प्रारंभिक जीवन पर बात करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि इनके जीवन में क्या कठिनाइयाँ थी और
फिर जब ये शासक हुए तो शासक में इनके राजस्व का सिद्धांत क्या था, इनका राजनीतिक सिद्धांत कैसा था, ये धर्म के बारे में क्या सोचते थे, इनके राजदरबार में कैसे विद्वानों का कौन कौन निवास था, सूफी के साथ इनके क्या संबंध थे, उन सारे पहलुओं पर आपसे बात की जाएगी। आगे देखें हम, सल्तनत काल के अंतर्गत हम खिलजी राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे और खिलजी राजवंश के अंतर्गत हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे और उनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों के बारे में भी चर्चा होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी पर किया जाएगा। इनके साम्राज्य विस्तार पर बात होगी और इनके बाजार नियंत्रण पर भी चर्चा की जाएगी, साथ में ये विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के सुधार किए उन सुधारों पर भी बात होगी। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या कह लीजिए कि खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं और इनके उपलब्धियों के एक एक बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें हम भू राजस्व यानी अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि उनके भू राजस्व की नीति कैसी थी, उत्तर में कैसी थी और दक्षिण में कैसी थी। हम इससे पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि दक्षिण भारत की नीति के प्रति जो शासक सजग थे, आप देखिए उनको शासन करने में बहुत आसानी हुई और उनका जो शासनकाल था उसमें काफ़ी स्थिरता और स्थायित्व भी था, साम्राज्य विस्तार भी हुआ। लेकिन जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उनको शासन के दौर में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसी क्रम में हम आगे तुगलक वंश की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे, इनके जीवन चरित्र और उपलब्धियों पर बात करेंगे। इसके अलावा देखा जाए मोहम्मद बिन तुगलक पर खास तौर पर बात होगी और इनकी नीतियों पर चर्चा होगी और हम यह भी देखेंगे कि वाकई ये शासक अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक सा जैसे शासक विद्वान होने के बावजूद भी अपनी नीतियों के कारण क्यों असफल रहे, क्या समय से पहले नीतियाँ थी और इनकी कौन कौन सी नीतियाँ थी, हम उन सारी नीतियों पर आपसे बात करेंगे। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे जब हम बात करेंगे तो इनके जो नीतियाँ हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम समग्र पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे हम देखें, जैसा कि हम बात ही कर रहे थे आपसे, इनकी विभिन्न योजनाओं पर बात होगी और विभिन्न योजनाओं के अलावा हम मोहम्मद बिन तुगलक के समीक्षात्मक मूल्यांकन करेंगे और उसके अंतर्गत सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी, तो समीक्षात्मक मूल्यांकन पर भी जोर दिया जाएगा। और फिर हम बात करेंगे कैसे फिरोज शाह तुगलक ने एक बार पुनः जो तुगलक वंश था उसको मजबूत करने का प्रयास किया और उन्होंने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई और इसके पहले के शासकों की तुलना में वो नीतियाँ कैसे भिन्न थी और क्यों उन्होंने इस प्रकार की नीतियाँ अपनाई, उन सारे पहलुओं पर आपसे बात की जाएगी। अगर आगे देखें सल्तनत काल के अंतर्गत ही हम तैमूर के आक्रमण पर भी चर्चा करेंगे और उसके प्रभाव पर बात करेंगे और बहमनी राजवंश, इससे पहले अगर देखा जाए तो बहमनी राजवंश से पहले सैयद, ये इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन विशेष तौर पर हम तैमूर का आक्रमण और उसके प्रभाव पर बात करेंगे। बहमनी राजवंश के बारे में भी चर्चा होगी, विजयनगर राजवंश के बारे में भी चर्चा होगी और इसके संस्थापक का नाम होगा, और या कहा जाए कि विजयनगर साम्राज्य से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए विजयनगर साम्राज्य पर भी सर्वाधिक जोर दिया जाएगा और बहमनी राज पर भी चर्चा की जाएगी। आगे हम देख रहे हैं इसी क्रम में सैयद और लोदी वंश पर भी चर्चा होगी और इस प्रकार से हम विशेष तौर पर खिजरखां के बारे में बात करेंगे और लोदी में महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा करते हुए अंततः हम इब्राहिम लोदी पर भी बात करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो गुलाम वंश था जो हम सल्तनत काल कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम पांच राजवंशों की विशेष तौर पर बात करेंगे, जिसमें
गुलाम वंश कह लीजिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और इसी के साथ में हम देखेंगे कि कैसे मोहम्मद बिन तुगलक या कहा जाए तुगलक काल में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हो रही है और इनके संस्थापक का क्या नाम है, इनमें कौन से वो महत्वपूर्ण शासक हुए और इनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कला, स्थापत्य के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो सल्तनत काल में हम इंडो इस्लामिक शैली के बारे में बात करेंगे कि कैसे इनका विकास हो रहा है, उनकी क्या विशेषताएँ हैं और कैसे इनका मिश्रित रूप किस इमारत में हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से हम फारसी के उद्भव के बारे में भी बात करेंगे और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उन पर भी आपसे बात होगी। और इसी दौरान हम सूफी संतों पर भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रमुख सूफी संत हैं, कौन कौन से वो सिलसिला हैं और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं और साथ में देखेंगे किन किन क्षेत्रों में उनकी प्रधानता रही है और उनसे जुड़े हुए उनके महत्वपूर्ण साहित्य कौन कौन से हैं, उन सारे कहा जाए पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। आगे देख रहे हैं, इसी क्रम में हम साहित्य के अलावा भी देखा जाए इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी हम जोर देंगे और हम देखेंगे कि इनके प्रशासन जो कि राजनीति के अंतर्गत आएगा तो हम इनके प्रशासन में किस प्रकार का फेरबदल हो रहा है और इनके प्रशासन का ढांचा क्या है और उस प्रशासनिक ढांचे की अपनी क्या विशेषता है, कहाँ से वो लिया गया है, वो सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर नेक्स्ट देखें तो हम मुगल काल पर बात कर रहे हैं। मुगल काल के अंतर्गत हम बाबर की बात करेंगे और हुमायूं की बात करेंगे और हुमायूं के साथ ही हम शेरशाह सूरी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए मुगल वंश का संस्थापक जैसे आप जानते हैं बाबर को माना जाता है, तो बाबर का जो प्रारंभिक जीवन होगा और बाबर ने अपने वो जीवन में वो कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जिनके कारण वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर पाए, तो उन युद्धों का क्रम और शासक की चर्चा और उनके जीवन का पूरा वृत्तांत और उनसे जुड़े हुए उनके वृत्तांतों का जिक्र कहाँ कहाँ किया गया है उन पर हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद बात होगी बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में और हुमायूं के जीवन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा होगी और कैसे उनके जीवन में किस प्रकार देखा जाए झंझावात आ रहे हैं और झंझावात जो लाने वाला व्यक्ति है वो कौन है, शेरशाह सूरी है, लेकिन और कैसे उनको भारतवर्ष से निष्कासित कर दिया जा रहा है और फिर वो कौन कौन से युद्ध लड़ने के बाद पुनः भारत में स्थापित हो रहे हैं, तो उन सारे पहलुओं पर आपसे बात होगी। लेनपुल का जैसे ये इनके बारे में है, अगर हम बात करें विभिन्न विद्वानों का हुमायूं के बारे में क्या मत है, उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो हम हुमायूं को उस संदर्भ में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अकबर है जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अकबर का प्रारंभिक जीवन और अकबर का जो राजनीतिक विस्तार है, हम इनके आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में और इनके समय में महत्वपूर्ण कला स्थापत्य की भी हम बात करेंगे और अकबर की नीतियों पर खास तौर पर चर्चा होगी जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कहा जाए मुगल जो वंश के शासक हैं उनमें अकबर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और अकबर ने सही में कहा जाए तो मुगल साम्राज्य को स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम देखेंगे जहांगीर के बारे में और यह भी देखेंगे कि अकबर की नीतियों को जहांगीर ने कहां तक अपनाया और उसमें और किस प्रकार का परिवर्तन किए, यह परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में था, हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां जो विशेष तौर पर कला स्थापत्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और आप देख रहे हैं इनका जो शासनकाल था कला स्थापत्य के क्षेत्र में स्वर्णकाल था, तो उस पर बात ही करेंगे और साथ में औरंगजेब पर चर्चा करेंगे, औरंगजेब की नीतियों के प्रति चर्चा करेंगे, इनकी अन्य नीतियों पर भी बात करेंगे जिसका दूरगामी भारत पर प्रभाव पड़ा, तो ये और इनके जीवन के जो महत्वपूर्ण युद्ध थे शासक बनने के लिए उस पर भी आपसे बात होगी। खास बात यह है कि मुगल वंश को न केवल हम राजनीतिक जीवन के बारे में बल्कि मुगल कालीन हम कला और स्थापत्य पर सबसे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि इनके समय में बहुत सारे विद्वानों का निवास इनके राज दरबार में था, उन विद्वानों की चर्चा करेंगे और उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी आपसे बात होगी। इसके अलावा अगर हम देखें ग्रंथ के अलावा तो इनके कुछ
नीतियां हैं और नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन एक क्रमबद्ध तौर पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने बताया कि क्रमबद्धता के साथ हम अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए इतिहास थोड़ा सरल और सहज हो जाएगा। तो हम इन क्रमबद्धता को के आधार मानते हुए हम चाहे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब पर चर्चा करेंगे। और यही नहीं, हुमायूं के साथ ही हम शेरशाह सूरी पर बात करेंगे। हम सूरी राजवंश पर भी चर्चा करते होंगे, द्वितीय अफगान राजवंश की स्थापना पर भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शेरशाह सूरी के बाद इस वंश के कौन से वो कमज़ोर शासक हुए और कैसे उनको पराजित करते हुए हुमायूं ने एक बार पुनः भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुगलकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशा और मुगल साम्राज्य के पतन पर हम प्रकाश डालेंगे। और खास बात यह है कि जो मुगल कालीन, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक या सांस्कृतिक दशा हो, इनमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर हम ध्यान देंगे। और राजनीतिक जीवन में राजा के क्रम में या कहा जाए सम्राट के क्रम में, बादशाह के क्रम में हम एक क्रमबद्धता के साथ उनके जो भी सूबे हैं उनके विस्तार को देखेंगे, उन विस्तार के लिए जो युद्ध लड़े उन पर चर्चा करेंगे, उनका परिणाम क्या निकला उन पर बात होगी और किन के साथ उनका युद्ध हुआ उन पर भी बात होगी, और साथ में इस युद्ध की चर्चा किन किन ग्रंथों में की गई है उन ग्रंथों की भी चर्चा की जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुगल काल में न केवल हमें कहा जाए कि शासकों के राजनीतिक जीवन पर अपितु सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो सांस्कृतिक जीवन है यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम कमजोर उत्तराधिकारियों की चर्चा करेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन, उनके पतन में क्या भूमिका थी, कहा जाए कि किन किन शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनकी कौन सी नीतियाँ थी जो मुगल साम्राज्य के पतन में काफ़ी प्रभावी रही। पतन के कई कारक होंगे और उन कई कारकों को कई दृष्टियों से हम देख करके इनके पतन को एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा इस वंश के कुछ कमज़ोर उत्तराधिकारियों की बात भी की जाएगी और साथ में हम देखेंगे कि इसी के बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है, जिसके अंतर्गत पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, इनकी बात करेंगे और फिर देखें इनके साथ इनका संबंध कैसा था और कैसे इनके पतन में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे देखें तो मराठा साम्राज्य, मराठा का अभ्युदय के बारे में बात होगी, मराठा साम्राज्य के अभ्युदय के बारे में चर्चा हो जाएगी और फिर छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र और उपलब्धियों पर बात होगी। और इसके अलावा हम इनके कमज़ोर उत्तराधिकारियों पर भी बात करेंगे और जो कि आधुनिक भारत का विषय होगा, और हम देखेंगे कि कैसे इनका क्या संबंध है, उनमें कैसे कैसे पेशवा और मराठाओं के बारे में आपसे बात होगी, फिर उनका कैसे विभाजन होता है और उनका विभाजन कहां कहां होता है और उनका कौन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके शासकों का क्या क्रम है और अंग्रेज़ों के साथ उनके कैसे संबंध रहे, कैसे अंग्रेज़ों के साथ क्या मैत्री और शत्रुपूर्ण जो संबंध थे उसका क्या परिणाम था, उन सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो संतलतकालीन या कहा जाए कि और मुगलकालीन या मध्यकालीन जो भी हमारा टॉपिक है, हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट भी होगा और टेस्ट के अलावा अगर देखा जाए तो कुछ लगभग 5000 जो प्रश्न हैं उनकी जो श्रृंखला है उनको भी हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और यही नहीं, हम एक एक टॉपिक का बिंदुवत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी के जो परीक्षा है वो एक प्रकार कहा जाए कि परीक्षा उन लोगों के लिए सरल है जो लोग वाकई इतिहास के साथ मेहनत करते हैं, वरना इतिहास तो आएगा और हम कुछ कर भी लेंगे, क्वेश्चन नज़दीक पहुंच करके भी सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं 125 में से 116, 118, 120, 122 तक भी लोग कर रहे हैं, तो हमारा भी यह प्रयास होना चाहिए कि कम से कम इतना करें, वरना हम 100 के ऊपर अगर कर भी ले जाएंगे तब भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रयास किया जाए कि 100 के ऊपर ही नहीं बल्कि अपने आप को उस जोन में पहुंचाया जाए जहां हम पूरी तरह से सेफ रहें, अर्थात सुरक्षित रहें और हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। तो इसके लिए हम टॉपिक वाइज अध्ययन भी करें और साथ में क्या उनको जो क्वेश्चन उससे बन सकते हैं या बने हैं उनका प्रैक्टिस करें और कुछ संभावित जो प्रश्न हैं, लगभग संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला है उन प्रश्नों पर सबसे ज़्यादा जोर दें। गाहे बगाहे प्रश्न वहीं से आएंगे और
ये देखेंगे कि जो ये पीजीटी की यात्रा है, हम लोग साथ लेकर के जब चलेंगे, साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए सरल हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर लगातार मेहनत करेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। बस ये है कि अब जो समय बचा हुआ है उस समय पर आप विशेष ध्यान दें। भले से विज्ञापन के संदर्भ में जो भी बातें कही जा रही हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए आप अपनी पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से जारी रखें और आप देखेंगे विज्ञापन पुनः आ जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होना नहीं चाहिए। तो जल्दी ही हम मिलते हैं आधुनिक भारत के सिलेबस को लेकर के या पाठ्यक्रम को लेकर के, और उस पर आपसे चर्चा होती है। ठीक, धन्यवाद।